بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً

प्यारे दोस्तों मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम और आप सभी अपने जीवन में सुखी और प्रसन्न हों हम अपने आज के कार्यक्रम में सजदे सहयोग के बारे में बातचीत को आपके सामने पेश करेंगे यानी हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक सजदे सहयोग है लेकिन इससे पहले कि हम सद सह के बारे में बातचीत को आपके सामने पेश करें और उससे संबंधित मसलों को आपके सामने बयान करें अनिवार्य ये है कि हम अपनी उस बहस को जो हमने पिछले प्रोग्राम में आरंभ किया था और थोड़ी सी बाकी रह गई थी उसके बारे में भी कुछ मसलों को आपके सामने बयान कर दें हमने अपने पिछले कार्यक्रम को जब समाप्त किया था तो हमारी बातचीत इस स्थान पर थी कि नमाज एहतियात से संबंधित मसलों को हम आपके सामने पेश कर रहे थे उसे संबंधित एक दो मसले और उसके बाद हम सजद सहव की बातचीत को आपके सामने पेश करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नमाज एहतियात जो इंसान के ऊपर वाजिब होती है वो दो प्रकार की होती है या उसको खड़े होकर एक रकत नमाज पढ़नी होती है नमाज एहतियात एक रक़त होती है या नमाज एहतियात दो रकत होती है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नमाज एहतियात एक रकत वाजिब है यानी उसका दायित्व ये है कि नमाज के बाद एक रकत नमाज एहतियात पढ़े तो वो जिस समय नमाज आराम करेगा और नमाज के बाद जब पहली रकत में दोनों सजदों को समाप्त कर देगा तो उसके तुरंत बाद तशहद और सलाम पढ़ के नमाज को समाप्त कर देगा तो ये उस समय हुआ कि जब इंसान के ऊपर एक रकत नमाज वाजिब थी नमाज एहतियात तो नमाज एहतियात अगर एक रकत वाजिब है तो उसके लिए अनिवार्य ये है कि जिस समय इंसान अपनी रकत के पहली रकत के दोनों सजदों को समाप्त कर रहा है उसी समय रकत के दोनों सजदों को समाप्त करने के तुरंत बाद तशुद पढ़े और सलाम पढ़ के नमाज को समाप्त कर दे लेकिन अगर नमाज एहतियात वो है जिसमें दो रकत नमाज पढ़नी है तो ऐसे व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पहली रकत के बाद तशहद और सलाम न पढ़े बल्कि उसके बाद जब दूसरी रकत भी समाप्त हो जाए तब वह तशहद और सलाम पढ़े और तशहद और सलाम पढ़ने के बाद नमाज को समाप्त करे उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था कि नमाज एहतियात का समय ये है कि जिस समय इंसान की नमाज़ समाप्त होती उसके तुरंत बाद नमाज एहतियात के लिए खड़ा हो जाए और बिना इसके कि उसकी नमाज की सूरत बिगड़ने पाए अब यहाँ पर एक मसला ये पैदा होता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना नमाज एहतियात पढ़े हुए अपनी नमाज की सूरत को बिगाड़ दे जैसे कि नमाज पढ़ी सलाम पढ़ा अब उसके बाद उसके लिए वाजिब यह था कि नमाज एहतियात पढ़े बिना नमाज एहतियात पढ़े उसने क़िबले की तरफ से अपना चेहरा मोड़ लिया या बातचीत करने लगा या इस प्रकार का को कोई और कार्य करने लगा जिससे नमाज बातिल होती है तो ऐसा व्यक्ति के लिए क्या मसला है ऐसा व्यक्ति क्या करेगा तो यहाँ पर हमारे फखा ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए अनिवार्य ये है कि वो नमाज एहतियात पढ़े भले उसने अपना चेहरा मोड़ लिया लेकिन उसके बाद दोबारा किबले की तरफ रुख किबले की तरफ़ चेहरा करने के बाद नमाज एहतियात पढ़े और नमाज एहतियात पढ़ने के बाद एहतियात वाजिब ये है कि वो अपनी वो उस नमाज़ को दोबारा पढ़े जैसे कि अगर षा की नमाज़ में उसको शक हुआ था और उसका दायित्व ये था कि एक रकत नमाज एहतियात पढ़े और उसने नमाज की सूरत को बिगाड़ दिया तो अब चूँकि सूरत को बिगाड़ चुका लिहाजा हमारे फ़कहा का मसला ये है वो ये कहते हैं ये है कि भले ही सूरत बिगड़ चुकी है लेकिन उसको चाहिए कि नमाज एहतियात पढ़े नमाज एहतियात पढ़ने के बाद दोबारा वो ऐशा की नमाज़ को अंजाम दे यानी नमाज ईशा दोबारा पढ़ना उसके ऊपर वाजिब है उसके बाद एक मसला जो ये आता है कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बैठ के नमाज पढ़ रहा है खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ रहा है अब उसके ऊपर कभी कभी ऐसा श, ऐसी शंका पेश आती जिसके कारण उसको दो रकत नमाज एहतियात खड़े होकर पढ़ना होती या एक रकत खड़े होकर पढ़ना होती है दो रकत बैठ के पढ़ना होती है इस प्रकार की नमाज एहतियात के मसले पेश आते हैं तो उसको क्या करना चाहिए क्योंकि उसको जैसे मान लीजिए अगर दो रकत नमाज खड़े होकर पढ़ना है तो बंदा पहले ही से खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे इंसान के लिए मसला क्या है वो क्या करेगा नमाज एहतियात कैसे पढ़ेगा तो हमारे फ़ाह ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए वाजिब ये है कि वो नमाज एहतियात जब पढ़ना चाह रहा है तो दो रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़ ले वही उसके लिए काफ़ी होगा तो ये वो मसले थे जो नमाज एहतियात से संबंधित थे उसके बाद जो मसले पेश आते हैं नमाज में सजदे सहो के बारे में पेश होते हैं जो मसले हम आपके सामने यहाँ पर बयान करेंगे जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नमाज एहतियात और सजद से हो ये दो एक ऐसी चीज़ हैं जो नमाज में संभावित कमी को दूर करने के लिए होती हैं बाज़ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा इस्लाम ये कहता है कि नमाज एहतियात पढ़ें और बाज़ स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर कहा यह जाता है कि सजद सेव करें तो ये जो वो चीज़ें थी जो नमाज एहतियात के बारे में हमने आपके सामने बयान की उसके बाद जो मसला पेश आता है नमाज से संबंधित वो है सजद सहव के बारे में जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि नमाज एहतियात और सजद सहदो एक ऐसी चीज़ें हैं जो नमाज में संभावित कमी को संभावित त्रुटि को दूर करने के लिए बयान की गई हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा दायित्व यह है कि नमाज एहतियात पढ़ें कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेदारी ये है कि नमाज के समाप्ति के बाद हम नमाज दो सजद सेव करें तो जब इंसान का दायित्व तो ये होता है उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि सजदे सहव करे तो उसका कार्य ये है कि जैसे ही नमाज समाप्त हो जैसे ही सलाम पढ़ चुके सलाम पढ़ने के बाद वो दो सजदे करे जिनको सजदे सहव कहा जाता है यानी नियत करे उसके बाद दो सजदे करे अब सवाल ये है प्रश्न ये है कि सजदे सहु में क्या पढ़े उसका जिक्र क्या होना चाहिए तो सबसे पहला ज़िक्र जो बयान किया गया है वह वह है कि इंसान ये पढ़े बिसमिल्लाबिल्ला महमद वाल महमद तो ये एक ज़िक्र है कि जब इंसान सज सहो करेगा तो ये पढ़े और इसके अलावा एक दूसरा जिक्र भी है जब सहो में इंसान पढ़ सकता है जिसको हमारी तोज़िल मसाल या इस प्रकार की किताबों में बयान किया गया है वो दूसरा ज़िक्र कौन सा है वो दूसरा ज़िक्र ये है कि इंसान पढ़े बिसमिल्ल अबिल्लामिक नबी वरहतल वबरको ये वो दूसरा जिक्र है जो सज सहव में पढ़ सकता है बेहतर ये है कि दूसरा ज़िक्र इंसान जिस समय सजद सहव कर रहा है उस समय दूसरे वाले जिक्र को पढ़े इसके बारे में ज़्यादा सवाब बयान किया गया और कहा गया ये बेहतर है तो बर जब सजद सहव कर रहा है इंसान जब जो है हमारी जिम्मेदारी यह हुई कि सज सहव करना है तो जिस समय इंसान सज सहव कर रहा है तो उसके लिए तकबीरतुल तकबीरतराम कहना वाजिब नहीं है लेकिन एहतियात मुस्तहब यह है कि तक जिस समय सजद सहव करना चाहे तो पहले तकबीर कहे और तकबीर कहने के बाद वो सजद सहव को अंजाम दे सजद सहव कई प्रकार के हो सकते हैं नमाज में यानी कुछ सजद कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर सजदा सजद सहव करना वाजिब होता है कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर एहतियात वाजिब यह है कि सजद सहव करे और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर एहतियात मस्तहब यह है कि नमाजी को अगर वो चीज़ें पेश आ जाएँ तो सजदे से हो करे अब यहाँ पर हम एक एक चीज़ें आपके सामने बयान कर रहे हैं तो वो स्थान जहाँ पर एक नमाजी के लिए वाजिब है कि सजदे से हो करे वो उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर एक नमाजी नमाज पढ़ते समय भूले से कोई लफ्ज़ बोल दे कोई शब्द बोल दे यानी कोई बात बोल जाए अगर नमाज में तो उसके लिए वाजिब यह है उसके लिए अनिवार्य यह है कि नमाज के समाप्त होने के बाद दो सजदे से करे। और दूसरा स्थान कि जहां पर सजदे सहो करना वाजिब है कि जब इंसान एक सजदा भूल जाए और उसको यह बात कब याद आए जब वो रुकू की स्थिति में हो रुकू के बाद यानी रुकू स्थिति या रुकू के बाद ये बात याद आए कि उसने एक सजदा भूल गया था एक ही सजदा अंजाम दिया था तो यह भी वो स्थान है कि जब इंसान को नमाज पढ़ने के बाद से हो करना होगा तीसरा स्थान जहाँ पर सजद सेव करना वाजिब है कि जब इंसान को शक हो कि नमाज जो पढ़ रहा है वो रकात चौथी है या पाँचवीं यह कहाँ पर शक हो उस समय शक हो जब इंसान सजदे करने के बाद बैठा हुआ था या इंसान को शक हो पाँचवीं और छठी रकात के बारे में कब ये शक उस समय हो जब कयाम की हालत में हो यानी अगर कयाम की हालत में पाँचवीं और छठी रकात में या बैठे हुए स्थिति में चौथी और पाँचवीं रकात में शक होता है नमाज की रकतों के बारे में तो इंसान का दायित्व ये है कि जब नमाज़ समाप्त हो जाए तो उसके बाद वो दो सजदे से होकर तो ये वो स्थान थे जहाँ पर सजद सहव करना एक नमाजी के लिए वाजिब था कुछ स्थान वो हैं जहाँ पर सजद सहव करना एहतियात वाजिब है कि हमारे फोखा ने कहा यहाँ पर एहतियात वाजिब यह है कि नमाजी सजद सहव करे पहला स्थान जहाँ पर एहतियात वाजिब यह है कि सजद सहव करे वो है बेजा अलग स्थान पर ग़लत स्थान पर सलाम पढ़ दे मसल चार रकती या तीन रकती नमाज थी दूसरी रकत में अगर सलाम पढ़ दे या पहली रकत में सलाम पढ़ दे अगर भूले से, से एक कार्य कर जाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए एहतियात वाजिब यह है कि नमाज समाप्त होने के बाद दो सजदे सहो अंजाम दे दूसरा स्थान जहाँ पर एहतियात वाजिब यह है कि सजदे से हो करे वो ये है कि जब इंसान नमाज में तशहद को भूल जाए अगर इंसान नमाज पढ़ते समय तशहद को भूल जाता है तो नमाज की समाप्ति के बाद एहतियात वाजिब यह है कि उसको दो सजदे सहव करना होंगे उसके बाद जो नंबर आता है इस चीज़ का आता है कि बाज़ स्थान कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर वो चीज़ नमाज में पेश आ जाए तो उसको सजद सहव करना चाहिए वो कौन सा स्थान है वो वो स्थान है कि जब इंसान ग़लत स्थान पर सलाम का थोड़ा सा हिस्सा पड़ जाए जैसे कि अगर चार रकती नमाज थी या तीन रकती नमाज़ थी दूसरी रकत में असलम का इतना कहा बाद फ़ौर याद आ गया उसको कि यह तो दूसरी या तीसरी रक़त है, यहाँ पर सलाम नहीं पढ़ना था उसने नमाज को आगे बढ़ा दिया तो ऐसे स्थान पर हमारे फखार ये कहते हैं कि जिस समय नमाज समाप्त हो जाए तो ऐसे स्थान पर एक नमाजी के लिए एहतियात मस्तब ये है कि उसको दो सजद सह करना चाहिए ये तो वो चीज़ें थी जब नमाज नमाजी के लिए वाजिब था या एहतियात वाजिब था या एहतियात मुस्तब था अब प्रश्न ये उठता है क्या हर भूल चुक पे सजदे सह वाजिब होता है या नहीं तो हमारे फोखार यहाँ पर यह कहते हैं कि अगर कोई इंसान नमाज में कोई चीज़ गलत पढ़ जाए और उसको तुरंत ध्यान आ जाए उसके बाद वहीं पर वो सही कर ले तो अगर गलत पढ़ने के बाद सही कर लेता है तो ऐसी स्थिति में नमाज के बाद उसको सजद सहव करने की आवश्यकता नहीं है उसके ऊपर सजद सहव वाजिब नहीं है उसके बाद एक मसला जो सजदे से संबंधित है वो ये है कि अगर इंसान नमाज पढ़ते समय कुछ भूले से बोलना शुरू करते एक होता है एक शब्द बोलना एक होता है कुछ मकदार भर बोलना कुछ मात्रा भर बोलना उसने बोलना शुरू कर दिया और बोलना के बाद उसको याद आया एक कि जो है नमाज पढ़ रहा था तो अगर इंसान भूले से नमाज में बोलना शुरू कर दे और वो जितना भी बोला है उस सब को एक बोलना शुमार किया जाए यानी चाहे जितना बोला हो अगर उसको एक बोलना शुमार किया जा रहा है तो उसके ऊपर केवल नमाज के बाद दो ही सजदे सेव वाजिब होंगे ऐसा नहीं कि अगर कई शब्द बोल गया है और उसको एक बोलना शुमार किया जा रहा था तो ऐसा नहीं कि उसको एक के बाद और सजदे सह करना होंगे नहीं बल्कि दो सजदे सह करेगा और यहीं पर उसकी ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाती है उसके बाद जो बहस आती है वो ये है कि अगर नमाज में कोई अंश भूल जाए कोई जुज़ भूल जाए तो उसके संबंधित मसले क्या हो सकते हैं तो पहला मसला जहाँ पर जो ये होता है वो ये है कि अगर इंसान नमाज पढ़ते समय किसी जज को किसी अंश को जानबूझ कर छोड़ दे यानी जो वाजिब था जानबूझ के छोड़ दिया तो अगर जानबूझ के छोड़ा जा रहा है तो उसकी नमाज बातिल है बिल्कुल ये सबका सारे फकहा का फैसला यही है कि उसकी नमाज बातिल है उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी लेकिन उसके बाद मसला यह था कि जानबूझ के नहीं छोड़ा है अब भूल गया है तो अगर वाजिबा नमाज में से वो चीज़ भूला है जो रुकन नहीं थी तो अगर भूल जाए तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी और लेकिन इसके बाद ये है कि हर गैर रुकन को भूलने के बाद नमाज तो बातिल नहीं है लेकिन उसकी कज़ा करना भी नमाज के बाद वाजिब नहीं होता है सिर्फ़ दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नमाज के बाद उस भूले हुए अंश की कज़ा करना उस नमाजी के ऊपर वाजिब होता है पहला स्थान वो है कि जब इंसान नमाज पढ़ते समय तशहद को भूल जाता है और उसके बाद दूसरा स्थान जब नमाज पढ़ते समय इंसान एक सजदा भूल जाता है तो अगर नमाजी अपनी नमाज में दो एक सजदा या तशहद को भूल जाता है तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि जब नमाज समाप्त करता है तो पहले तशहद की ख़ा करे पहले सजदे की ख़ा करें उसके बाद दो सजदे सहु को अंजाम दे तो ये वो मसला था जो नमाज़ में भूले जाने वाले अंश संबंधित इसके इसी भाग में दो या तीन मसले और हैं लेकिन चूँकि हमारा समय यहीं पर समाप्त हो रहा है लिहाजा हम ये कोशिश ये करेंगे कि अपने इन मसलों को अपने किसी अगले प्रोग्राम में आपके सामने बयान करें तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर की बारगाह में सिपुर्द करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें तब तक के लिए वालेकुम वरह लबरक اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنسيحه وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه وعلى المستمعين بالاتباع والموعظه وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحه وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين